अरे जरा खाइन देना, खाइन डब्बा आया नहीं ना, तो खाइन देना है जरा। क्या देख रहा है बे, कहीं नहीं आएगी? नहीं, तुझे अच्छे से पता है कि मुझे कोई बुरी आदत नहीं है, फिर भी तू क्यों पूछ रहा है? हाँ तो फिर मुझे क्यों पूछ रहा है कि कहीं नहीं कहा है, कहीं नहीं कहा है? तो क्यों ना पूछू, फिर यूपीसी क्यों कर रहा है? यूपीसी उसका यहाँ पे क्या मतलब है? कुछ लेना देना ही नहीं है ना बेटा, कोई संबंध नहीं। तो बता, करंट अफेयर के लिए तू बच्चों को क्या सिखाता है? मतलब यही कि आजू बाजू हमारे जो भी घटनाएं घट रही है, अच्छी बुरी, उन पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। हाँ अब है ना लाइन पे, बात करता है करंट अफेयर्स। भाई साहब को डीएम बनना है तो बात करना ही बेकार है यार, कुछ कुछ भी तो करता क्यों है, सीधा हाया नाम में जवाब दिया कर। साला इसका नाम निर्माण भी किसने रखा, एक भी समस्या का निवारण नहीं करता है, लेकिन निर्माण समस्या बहुत ज्यादा करता है। साला दिमाग का हेडेक करा दिया है। अरे यार तू खाई नहीं दे, पहले दिमाग का दही कर दिया इसने, खाई नहीं दे, खाई नहीं। अब क्या किया इसने, लगता है कुछ और बखेड़ा किया क्या इसने? या इसके किस्से सुनाने जाऊंगा ना तो दिन की रात हो जा, रात का दिन पता भी ना चले। पहले तू खाई नहीं दे यार, खाई नहीं, साला दिमाग का दही करके रखा है। ला इधर। हाँ अब आ गई चांद में चांद। भाया कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों पहले हम मुझे बस इतना पूछा, मास्टरब्यूट किया है क्या? गलत पूछे, नॉर्मल सा सवाल है, मास्टरब्यूट किया के नहीं? सच्ची? फिर का आईक्यू कम है तो हम क्या करें? ये भाई साहब पहुंच गए सीधा ऑफिस में और वहां से क्लर्क को पूछने लगे कि यह कौन सा कोर्स है जो इसमें हमको एडमिशन ना मिले, और क्लर्क को भी सलाह हमसे बदला नहीं लाऊंगा। वो सलाह इसको बोलता है कि एक अप्लीकेशन बना के दो और सलाह प्रिंसिपल को दे दो। और फिर क्या, भाई साहब गए प्रिंसिपल को अप्लीकेशन लिखा कि ये कोर्स को एडमिशन चाहिए। सच्ची? फिर इनकी यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल के सामने एकदम होनहार लड़के की, उनको पता चल गया कि इनके दिमाग में भरने वाला कोई कलमुआ होगा, और भाई साहब से पूछ लिया कि भाई साहब ये कोर्स अपने कॉलेज में किस किस ने किया है। भाई साहब ने बता दिया हमारा नाम। अरे वाह, ये तो बहुत रंगीला रतन है, क्यों बे शाने? लो, कोई सच्चाई का जमाना रहा? प्रिंसिपल ने जो हमारे घर पे फोन किया वो अलग, और हमारे जिंदगी में हमारे घर पे जो हिरोशिमा नागासाकी का बम फटा है और उसके बाद जो महाभारत रामायण हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, तुम ही बताओ। हम क्यों ना इसका कत्ल कर डाले? हमारी क्या गलती, हमको थोड़ी ना पता क्या कि मास्टर ब्यूट का मतलब। इनको भी समझना चाहिए ना कि ऐसे चीजें थोड़ी ना सिखाते हैं, करे तो करे क्या और
बोले तो बोले क्या? नहीं साले तू ही गलत है गलत। अच्छा बेटा, तो क्या आप तेरे को प्रैक्टिकल करके बताओ, ताकि फिर तू प्रिंसिपल के पास जाए और मेरी जो बच्ची को जो भी साला जॉब नहीं लग रहा है, ऊपर से गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है, घर वाले आस पड़ोस के चिल्ला रहे वो अलग है, और साला ऐसा तो लगता है कभी कुआरे नल ले ना मर जाए। बताओ यार कितना प्रॉब्लम है। साला एक तो अकाउंट खुल नहीं रहा है, खुला तो मिनिमम बैलेंस रखो, कभी चेक बुक देते हैं तो साला चेक बाउंस पे बाउंस हो रहा है। साला जिंदगी पूरा झंड हो चुकी है। कभी कभी तो लगता है कि कोई रात के 12 बजे आके कोई ये ना बोलते कि भाई और बहनों, जो जो वर्जिन और कुंवर है उनके स्पर्म की नसबंदी ना करते, बस यही डर है। तो यार कसम से पता नहीं साला कब आते वो दिना, एक चद्दर पे 2 गर्दना। याद आया, तेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है ना, वही वन साइड लव वाली पायल, उसकी शादी है। क्या बात करता है अबे, पुरानी में एक ही तो बची थी यार, उसे भी छीन लिया क्या? पायल मैडम के साथ, वो भी रमाकांत सर की। अबे क्या बात कर रहे हैं, वो काला कलोटा पेंगुइन। अरे यार ये लड़कियां भी पगला गई है यार, क्वालिटी में फर्क ही नहीं समझती। जागो ग्राहक जागो, पैसा। क्वालिटी भी कोई चीज होती है, ऐसे थोड़ी ना कोई कुछ भी कर ले। और साला गर्लफ्रेंड थी बे, वन साइडेड थी हाँ, लेकिन गर्लफ्रेंड थी, पर वही सबसे मेजर चीज है। तेरे पास पैसा है तो सब कुछ है, फिर तो काला गोला काला कलोटा कौन से भी कलर का क्यों ना हो, फिर कलर शेप साइज कुछ भी मायने नहीं रखता, बस माल देखो और खरीद लो। सोच रहे हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, पैसा वैसा कुछ नहीं होता, सब प्यार मोहब्बत होता है। और इनकी अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज है, लव मैरिज, वो भी फर्स्ट ईयर से शुरू। कैसे पता भाई, वो भी इतना डिटेल में? पायल मैम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मुझे सब बातें वो बताती थी। मतलब छगन भाई देखा, ये साला कितना कमीना है, तेरे को साले तेरे को कभी मेरी इतनी सी दया नहीं आई। साला मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले तेरे को। पर हमें बताया क्यों नहीं? रमाकांत सर पायल मैडम के लिए सबसे बेस्ट बेस्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ना इंसाफी है, घर का भेदी लकड़ा है जैसी बात हो गई भैया जी। मारा भी उसी हथौड़े से है जिससे आह तक नहीं निकली। और पता है मेरे को दोनों तरफ से इनविटेशन है, और शादी के लिए स्पेशल ड्रेस भी दोनों की तरफ से मिल रहा है। आज तेरा मर्डर मैं करूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। भाई 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 पहले एक मिनट, पहले एक बात कर लूं, मैं उसी की साइड लूंगा जो मुझे आज रात 10 रुपए लाएगा, इसलिए तुम दोनों डिसाइड कर लो कि मैं किसके साथ हूं। मिर्ची सेठ तुम्हारी भला इसी में है कि तुम मेरा साथ दो,
मैं तुम्हें सरकारी गवाह बना दूंगा और दारू के साथ बिरयानी भी खिलाऊंगा। और तू गुलफाम हसन, सॉरी गुलफाम है निवारण, तुम दोस्ती को लगी हुई वो दीमक हो, उससे जाने कितनी वन साइड लव वाली मोहब्बतें तबाह हो चुकी है। अरे झूठी दोस्त की फिलॉसफी की वजह से न जाने कितने पायल, छगन और बबन जैसी मोहब्बतें बर्बाद हो चुकी है। आज अगर कोई इंसाफ चाहता है तो वही इंसाफ होगा जो सच्ची मोहब्बत के साथ होता है। बबन भैया जल्दी कर लो, 10 बज रहे हैं, बार कहीं बंद होना चाहे। ये गुलफाम हसन सच्चे दोस्तों के साथ धोखा करने के जुर्म में और सच्ची दोस्त की मोहब्बत को जुदा करने के इल्जाम में मैं तुम्हें सजाए मौत देता हूँ। बबन ये गलत है। गलत नहीं, ये तो पाप है। पाप नहीं, पाप का बाप है ये। अरे छोड़ दो सालो, मैं छोड़ूंगा साले, तुरे मेरे बाबत की टुकड़े की है कमला कुत्ते। अरे जरा जरा पकड़ पकड़ पकड़। यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, प्यार नु ही लूट लिया घर यार का। आसमान में टैंग टैंग लाख तारे हैं, टैंग टैंग अरे आसमान में लाख तारे।